पानी से चलने वाले स्कूटर की सभी जानकारियां इस वीडियो में आपको मिलेगी। आज की वीडियो में जानकर के आपको बड़ा आश्चर्य होगा। आपने कहावतों में सुना होगा कि गाड़ी क्या पानी से चलती है। अब ये कहावत बिल्कुल ही सही हो चुकी है। पानी से चलने वाली गाड़ी अब तैयार हो चुकी है और यह जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी और आप उस पर सवारी कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। पानी से चलने वाली गाड़ी यानी बाइक तैयार हो चुकी है और इसको जॉय ई बाइक कंपनी ने इसको तैयार किया है और यह पानी से चलने वाली एक बाइक है। अब से पहले चलने वाले इंजन भाप से चलते थे, फिर पेट्रोल, केरोसिन, डीजल इनके चलते थे, फिर उसके बाद में सीएनजी के आए और फिर इलेक्ट्रिक बाइक आई। इलेक्ट्रिक बाइक तक हमारा लास्ट का था। अब इलेक्ट्रिक बाइक के बाद में अब शुरू हो चुकी है पानी से चलने वाली बाइक। पानी से चलने वाली बाइक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस बाइक को खरीदने वाले के पास में इसका कोई नंबर प्लेट नहीं होगी। ये बाइक बिना नंबर प्लेट की होंगी और इनकी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर होगी। 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ये बाइक होंगी और इसका मॉडल इस तरह से डिजाइन किया है कि दिखने में भी इसका लुक अच्छा लगता है। यह बाइक अभी तक मार्केट में लॉन्च नहीं हुई है। अभी इसको कंपनी में इसका डिजाइन तैयार करके इसको टेस्ट किया जा चुका है। यह पानी से चलेगी, अभी कैसे चलेगी पानी से, इसके विषय में मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। इस बाइक के अंदर सीट के नीचे एक ऐसी मशीन को फिट किया गया है जो पानी को काम में लेकर के इसको बाइक को चलाने में मदद करेगी। बाइक चलाने के लिए इसमें पानी का उपयोग किया जाएगा और 1 लीटर पानी इस बाइक को लगभग 55 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पर्याप्त होगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि पानी से चलने वाली गाड़ी कैसे पानी से चलाएगी। तो ये साइंस के ऊपर डिपेंड करती है कि पानी में 2 तत्व पाए जाते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ईंधन की तरह काम करता है, जिस तरह से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जो ईंधन की तरह काम करते हैं, उसी तरह से ये भी एक ईंधन की तरह काम करेगा। इसके सीट के नीचे एक मशीन फिट कर रखी है, उसमें केवल और केवल डिस्टिल वाटर डाला जाता है। डिस्टिल वाटर में सिर्फ शुद्ध जल होता है, उसमें किसी और तत्व की मिलावट नहीं होती। जो हम सादा पानी पीते हैं उसमें अनेक प्रकार के तत्व मिले होते हैं, जबकि डिस्टिल वाटर में सिर्फ शुद्ध जल होता है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 तत्वों से मिलकर जल का निर्माण होता है और डिस्टिल वाटर में सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होती है। जब 1 लीटर पानी को इस सीट के नीचे लगी हुई मशीन के अंदर डाला जाता है तो यह मशीन डिस्टिल वाटर को दोनों तत्वों में अलग अलग तोड़ देती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन ईंधन के रूप में काम करता है और ऑक्सीजन पर्यावरण में चली जाती है। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला तो कि ये पानी से चलने वाली बाइक है, लेकिन ये कोई वैसा पानी नहीं है जिसको हम आमतौर पर यूज करते हैं, यह डिस्टिल वाटर है और डिस्टिल वाटर की कीमत भी कम होती है, ज़्यादा प्राइस नहीं होती, लगभग 10-15 रुपये होती है 1 लीटर की। और 1 लीटर में ये बाइक चलेगी
लगभग 150 किलोमीटर। और डिस्टिल वाटर को जैसे ही बाइक की मशीन के अंदर डाला जाता है, यह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ देती है और हाइड्रोजन का उपयोग बाइक को चलाने के लिए ईंधन के रूप में कर लिया जाता है और ऑक्सीजन वातावरण में चली जाती है और जिससे ऑक्सीजन का भी नुकसान नहीं होता। इस तरह से ये पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए भी सही है। और हम देखते हैं कि डीजल पेट्रोल की महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, उस महंगाई को देखते हुए भी डिस्टिल वाटर से चलने वाली बाइक बड़ी सस्ती होगी और इसके नुकसान बहुत कम है और ये ज़्यादातर फायदेमंद होती है। डिस्टिल वाटर का उपयोग करके बाइक को चलाने से खर्चा भी कम आता है और इसको कहीं से भी आसानी से स्टोर करके रखा जा सकता है, जबकि पेट्रोल वाले वाहनों को सिर्फ पेट्रोल पंप से ही डीजल या पेट्रोल भरा जाता है और जबकि डिस्टिल वाटर को कहीं भी रखा जा सकता है, अपने घर में भी रख सकते हैं, किसी भी दुकान पर, चुनी की दुकान पर और किसी तरह की दुकान पर डिजिटल वाटर को रखा जाता है और वहां से आप आसानी से खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार के ईंधन को रखना भी एक तरह से सुरक्षित है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। सीएनजी से चलने वाली वाहन होते हैं उनमें भी नुकसान होता है कि उनकी टंकियां फट जाती है। तो इस तरह से जितने भी नुकसान थे उन सब नुकसानों से बढ़कर इनमें सारे के सारे फायदे हैं। तो ये बाइक आपको जल्दी ही मार्केट में देखने को मिलेगी। और वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको इस तरह से एजुकेशन से और साइंस से जुड़ी हुई जानकारी आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद चैनल पर बने रहने के लिए। और आपको इससे संबंधित, एजुकेशन से संबंधित वीडियो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएंगी। जिस तरह से आपको वीडियो चाहिए वैसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं।